नॉक नॉक। तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ और आपको मारने के लिए जिंदा हूँ। एक मिनट, वो मेरा कसूर नहीं था, वो अचानक हादसा हो गया। अरे जो भी हो गया अब तो आपको मरना ही पड़ेगा बाबा साहब। देखो बड़ी अच्छी जगह चुनी है आपने, अब खुद बताए इस पत्थर से सर फोड़ू या सीधा सीधा धक्का दे दूं? मेरी बात सुनो। देखो अभी मेरे खेलने खाने के दिन है। अब हम देखो मैं अरे खेलने के दिन खत्म हुए, गेम ओवर हुई, अब आपका मरने का दिन आ गया है। जो ना मुझे खामोश में आने शुरू हो गए, खत्म मारी तो गई, कहीं इसके रूह इधर उधर तो नहीं भटक रही? देखो लड़की, ज़ेन पे जोर डालो। क्या नाम है तुम्हारा? जुगनू, जुगनू नाम है ना? ये तुम्हारे पेपर्स में से निकला था जो हमारे सामान में थे। जुगनू भी भला कोई नाम होता है? ये लड़की, समझाओ अपने बॉस को, पता नहीं कहाँ से डिग्री लेके आ गया। फिर क्या नाम है? नौरीन है शायद, या नसरीन है। अच्छी मुसीबत है, एक तो मुफ्त इलाज करो, कब तक रखेंगे इसे? एक दो दिन में निकल आएगी शौक से बाहर, आपको पता है ये सोते में बड़बड़ाती है। की अच्छी बात है, हो सकता है कोई पुराना कनेक्शन निकल आए। क्या कहती? कुछ लोगों का नाम लेती है ये, जुल्फी, जुल्फी का नाम लेती है ये बार बार। जुल्फी को नहीं जानती मैं, कसम उठवा लो अपनी इस नर्स की कसम, जुल्फी को नहीं जानती। होगा कोई मनहूस की औलाद, कहा है ना नहीं जानती, फिर खड़े खड़े घूरे चले जा रहे हो। हाँ ठीक है ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, तुम यहीं ठहरो, यहीं रुको, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। नर्स मैं कुछ दिनों के लिए आउट स्टेशन जा रहा हूँ, इसका भी ख्याल रखना और बाकी चीजों का भी। हाय हाय हाय, उसका इलाज क्या कर दिया, सर पे खड़े भिनभिनाए जाओगे तुम लोग? रेस्ट करने दो, मेरी तबीयत देखो ठीक नहीं है। अब क्या तुम भी यहीं टंगी रहोगी? उस बेचारी को ले जाओ ना, कब से व्हीलचेयर में बैठी है। गुड माय बॉय कि तुम आ गए। अंकल मैं तो बिल्कुल भी नहीं आ पाता अगर मुझे जुल्फी की शादी अटेंड करने का लालच ना हो। हम सब भी बहुत एक्साइटेड हैं। वैसे भी लुक एट द वेदर, इट्स चेंजिंग। चंद ही दिनों में बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी एंड देन इट्स गोइंग टू बी द परफेक्ट मॉनसून वेडिंग। मगर दूल्हा तो बीमार पड़ा है, अब आप ही को ठीक करना है उसे। हाँ भाई, जुल्फी नजर नहीं आ रहा, किधर है वो? वो एक एक्सीडेंट हो गया है, इसकी वजह से सब परेशान है। एक्सीडेंट? कौन सा एक्सीडेंट? खाना खा लो फिर आराम से बात कर लो। ठीक है, खाना तो खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, अगर मेन्यू आयशा भाभी के हाथ का होगा। एक्चुअली आज रात की स्पेशलिटी है पास्ता और वो गज़ाला ने तैयार किया। रियली वेरी नाइस। भाई मुझे लगता है आप दोनों बहनें मिलके अंकल के कुजीन को चार चांद लगाने वाले हैं। फिर खाना लगा दो। हाँ मैं 10 मिनट में लगवाती हूँ। थोड़ा टाइम है तो आओ बात कर लें जरा। मैं? Go on, boys.
Vesta. Sounds good. Yes, darling. जी. डार साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ. I'm in a meeting. Yeah. Bye. डार साहब, my business associate. वो लड़की किसी नौकरानी की बेटी थी. किसी फोटोग्राफर के साथ उसका अफेयर चल रहा था. हमारा वो कराची वाला फार्म हाउस है ना, अभी तक ओरिजिनल फॉर्म में है, तो अक्सर वहाँ पे फोटोशूट वगैरह होते रहते हैं. तो बस किसी शूट में जुल्फी आ गया. उन लोगों ने उसे ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि हमारी एंटीक गाड़ी भी ले ली, और वो जो लड़की थी उसने जुल्फी से निकाह कर ली. तो हुए मैं. हाँ, और 1 करोड़ रुपए का हक मेहर भी लिखवा लिया. Don't tell me. वो तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ी थी, लेकिन चंद रोज पहले किसी ने उस पर फायरिंग करके उसको हलाक कर दिया. ये देखो. ये हाँ, मर चुकी है. जुल्फी को काफी शॉक मिला. ये इस लड़की का नाम या इसका कोई ताल्लुकदार, इसका नाम जुगनू तो नहीं है? हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? ये लड़की जिंदा है. क्या? हाँ, ये लड़की जिंदा है और मेरे ही क्लिनिक में. ये वाली लड़की? हाँ. मुझे एक जरूरी फोन. अच्छा, तो वो लड़की जिंदा है और इस डॉक्टर के क्लिनिक में. बहुत गलत हो रहा है ये. डार साहब, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ एक थोड़ी देर में. ओके, बाय. क्या गलत हो रहा है? मैं तो फोन पे बात कर. मैं शादी की बात कर रही हूँ. ये शादी नहीं हो सकती. शादी कौन कर रहा है? मैं तो फोन पे बात कर रहा हूँ. मैं जुल्फी और गजाला की शादी की बात कर रही हूँ. ओह अच्छा. ओ मगर अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो कोई रुकावट नहीं. वो लड़की जिंदा है. What? मगर ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, मगर वो जिंदा है और जुल्फी की बीवी है. अभी तक उसकी मौजूदगी में मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती. लेकिन मुझे तो तनवीर ने बताया था. तनवीर को गलत फहमी हुई थी. वो लड़की जिंदा है और डॉक्टर सादी के क्लिनिक में मौजूद है. ओके. भाई साहब, बेहतर होगा कि आप तलाक की कोशिश करें. किसी की जान लेना ना तो किसी इंसान के इख्तियार में है और ना ही वो ले सकता है. भाभी, वो अंकल, अगर वो जिंदा भी है तो इससे फर्क क्या पड़ता है? जुल्फी मर्द है, 4 शादियां कर सकता है. मसला ये है माय बॉय कि गजाला की अम्मी ने शर्त रखी है कि जब तक जुल्फी उस लड़की को तलाक नहीं देगा या शादी नहीं हो सकती. तो देने तलाक क्या फर्क पड़ता है? मेहर. हाँ,
ये जरा टेंशन वाली बात है। हालांकि मैंने उस लड़की को 2 लाख बल्कि 220 की ऑफर दी, लेकिन उसने डन डील नहीं किया। अंकल आप अब ट्राई करें, उसकी याददाश्त खोई हुई है, वो जरूर मान जाएगी। अरे दैट वुमन इज अ फितना, वो कोई हंगामा खड़ा कर देगी। फिर हमें नहायत कूली सोच समझ कर मसलियत से काम लेना पड़ेगा। अंकल मेरे पास एक आइडिया है, आप तलाक वगैरह के पेपर्स तैयार करवाएं, मैंने डिस्चार्ज स्लिप पे और रसीदों पे साइन लेने, मैं वही साइन लेते लेते तलाक के पेपर्स पे भी साइन ले लूंगा। और मेहर? मेहर वो भी आसान है, किसी भी लड़की को बुर्का पहना दें, वो जाके कह दे कि मैंने मेहर माफ किया, मसला हल। ब्रिलियंट, यू आर जीनियस माय बॉय। सीखो इससे कुछ, इडियट, सीखो। है बहन, सुना ऑपरेशन होने लगा है तुम्हारा? भाई बच के रहना, ऐसा पागल डॉक्टर है, गुर्दे शुर्दे निकाल लेते हैं भाई, है ध्यान से जरा। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद से चलने लगी हो, जितना ज्यादा चलोगी उतनी जल्दी अच्छी हो जाओगी। कहाँ अच्छी हो रही हूँ मैं, अल्लाह अल्लाह करे अच्छी हो जाओ, अभी तो तबीयत ऐसी अजीब सी हो रही है। अच्छा देखो, तुम्हारी डिस्चार्ज स्लिप बनवानी है तो कुछ कागजात है, इन पे साइन कर दो। मेरे दस्तखत की क्या जरूरत थी, खुद ही साइन मार देती, किसी को क्या पता चलता। ये भी खूब कही तुमने, यहाँ पे कर दो। कौन कौन से कागज आते हैं ये? ये तुम्हें हॉस्पिटल की जबान है, समझ नहीं आएगी, यहाँ पे कर दो। इतने दस्तखत तो मैंने अपने निकाह नामे भी नहीं किए होंगे। निकाह नामे? हाँ, लगता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है। नहीं, याददाश्त कहाँ से वापस आ रही है, इतने सारे सफे होते हैं ना निकाह नामे में, तो मुझे लगा कि शायद अल्लाह करे याददाश्त वापस आ जाए। अच्छा खैर, मैं सोच रही थी कि तुम जाओगी कहाँ, मेरा मतलब है तुम चाहो तो डॉक्टर साहब के वापस आने तक मेरे साथ रह सकती हो। तुम कहाँ रहती हो? हॉस्टल में। अरे वाह भाई, अगर तुम हॉस्टल में रहती हो और वहाँ रहने का मेरा भी इंतजाम कर दो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मैं पैसे दूंगी। हाँ ठीक है। ये अच्छा हो गया, और किसी काम तो आती नहीं, इसी काम ही सही। कैसी खबर? तलाक के कागजात पर साइन हो गए, मतलब उसने कागजात वसूल कर लिए। What? ये कैसे हो गया? ये कौन है? अरे गिरफ्तार कर लो, चले वो केबिन की तलाशी ले। अरे कहाँ फंसवा दिया मुझे? चलो मैं तैयार हूँ, चले। हाँ हाँ मैं भी तैयार हूँ। ये तुम क्या यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाती हो घर? नर्स के यूनिफॉर्म में, नर्स के यूनिफॉर्म में जब भी जाती हूँ ना तो लोग, खैर छोड़ो, मुंह पे सिस्टर कहते हैं और दिल में कुछ और ही होता है इनके। हाँ भाई, बड़ी अजीब लोग होते हैं इस दुनिया में, खासतौर पे हम जैसी औरतों के लिए भाई बड़ी खतरनाक जगह है ये। चलो मैं चल रही हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ। हाँ है कि चो चो है कि चो, अगर तुम कहो तो मैं रफीक को बुलवा लूं। ए आपाश आ जाओ, तुम्हारे घर तो नहीं बैठी मैं। अरे वैसे बात ठीक कह रही है शाहजहां, अगर वो नहीं आ रहा तो उसे बुला लेते हैं। ए तुम लोग चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊं?
दुनिया की रीत है बीबी, हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है। अच्छा तो फिर जुगनू के मामले में ये रीत कहाँ चली जाती है? ए भाई वो तो अपने शोहर के घर में बैठी है। है तो मैं कौन सी उजड़ गई? चार दिन के लिए आई हूँ, सौ सौ बातें सुना रहे हो तुम लोग। अरे बात बातें सुनाने की नहीं है, परेशान है तेरे लिए। किसी को जरूरत नहीं है परेशान होने की, चली जाऊंगी शाम को। मुबारक हो बाबा साहब। ओके बाय। तो डील इज डन? नहीं नहीं बाबा साहब, एक और अच्छी खबर है, बल्कि बहुत ही अच्छी खबर है। कैसी खबर? तलाक के कागजात पर साइन हो गए, मतलब उसने कागजात वसूल कर लिए। व्हाट? ये कैसे हो गया? मैंने बाबा साहब, मैंने करवाया, मेरी वजह से शादी ने उससे साइन करवाए। तुम्हें यकीन है कि साइन उसी चुड़ैल ने किए? जाहिर है बाबा साहब, वो शादी की क्लिनिक में जो है। आई डोंट बिलीव दिस, इतनी आसानी से काम कैसे हो गया? आसानी से तो नहीं बाबा साहब, लेकिन वो कहते हैं ना, एक आम सी कहावत है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। That's my boy, Tony, I mean, तनवीर, आखिर तुमने उंगली टेढ़ी करनी सीख ही ली हाँ? तो बेटा किसका है? बस जरा अकलमंदी से काम लेना पड़ा बाबा साहब। आज वकील बुरके वाली किसी औरत से बयान भी दिलवा देगा मेहर माफ करने का। थैंक गॉड, अब गजाला और जुल्फी की शादी में कोई रुकावट नहीं है, द डील इज डन। धूमधाम से शादी करेंगे। अब तुम दोनों की जिम्मेदारी से फारिग होके मैं भी हनीमून हॉलिडे के लिए जा सकता हूँ, दुनिया की सैर कर सकता हूँ, रिलैक्स हो जाऊंगा थोड़ा सा। Yeah, you need a holiday. अरे रोक दो भैया, चलते चलते चलाओगे क्या? अच्छा तुम यही रुको, हम आधे घंटे में आते हैं। पैसे दे दूंगी, मरो नहीं। तुम यहाँ रहती हो? हाँ ना, चलो तो सही। तुमने तो कहा था कोई घर है। आपका बचपन में करीब 5-8 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट भी हुआ था, और आपकी पढ़ाई ज्यादातर बाहर के मुल्क में हुई है। पापा कितना सही कह रहे हैं ना? हाँ, मैंने ही बताया। ओहो मजाक छोड़े, आप और बताइए मुझे। और भी लिखा है, काफी कुछ लिखा है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, बाकी कल। अरे कल क्यों, मुझे नहीं पता, अभी बताइए मुझे। अभी बहुत मुश्किल है। मुश्किल? मुश्किल क्यों है? बहुत जिद्दी हो यार। जिद्दी नहीं, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है अब। देखो। अच्छा मैं आती हूँ। चले बताइए मुझे, बताइए ना। हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ तो मिस गजाला, ये आप अपने मंगनी की लकीर देख रही हैं? आपकी दो मंगनियां होंगी। ये कैसी उल्टी सीधी बातें करें, रहने दीजिए, कल ही बता देना आप। अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी बताऊंगा। मिस गजाला, ये आप अपने दिल की लकीर देख रही हैं? आपको बहुत धांसू सी मोहब्बत होने वाली है। हाँ हाँ, मुझे जुल्फी से थोड़ी सी भी मोहब्बत हो जाए ना तो बहुत है। अरे नहीं, जुल्फी से नहीं, जुल्फी से नहीं। ये देखिए, आपको एक ऐसे शख्स से मोहब्बत होने वाली है जिसका नाम, ये देखिए, एस से शुरू होता है। एस से? एस। प्लीज व्हाटएवर। अरे मेरा तो डी से शुरू होता है, डॉक्टर। ओ तो आ गई, हम तो खड़े खड़े ही सूख गए थे। सूखे को तो देखो, सत के ही जाऊं मैं। अरे सदके तो हम जाएंगे, ये है वो तुम्हारी दोस्त? हाँ ये है मेरी वो दोस्त। फिर तो हमारी भी दोस्त हुई ना। मैं किसी की दोस्त वोस्त नहीं हूँ, कहाँ ले आई हो मुझे, तुमने तो कहा था घर लेके जाओगी।
हाँ तो मर क्यों रही हो, चल रहे ना घर, तू चाय मंगा ना खड़ा हुआ क्या। चाय गई तुम्हारी भाड़ में, जा रही हूँ मैं। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? नहीं क्या बदतमीजी है, लूचे लफंगे कहीं के। बाबा साहब आपने बुलाया है। आयशा माय चाइल्ड, मैं तुमसे जुल्फी की शादी की बात करना चाह रहा था। हाँ बेटा, हमने फैसला किया है कि ये शादी यहीं होगी और तारीख हमने अगले 2 हफ्ते बाद रखी है। 15 दिन इज टू सून, इतने जल्दी तो कोई डिजाइनर भी कपड़े नहीं बना के देगा। डिजाइनर का क्या है, एक दर्जी को यहाँ बुला लेंगे, मशीन में लगवा देंगे, वो खड़ा कर कपड़े बनाता रहेगा। हाँ बेटा मजबूरी है, हम चाहते हैं कि बच्चों को जल्द एक तरफ लगा दिया जाए ताकि आइंदा उनके दिमाग इधर उधर ना भटके। yes. आइंदा? हाँ आइंदा, जो गुजर गया उसे भूल जाओ, दोहराने का क्या फायदा। वैसे भी उस लड़की को तो तलाक हो चुकी है। और मेहर? वो सब कुछ हो गया है, तुम उसकी फिक्र ना करो, तुम तैयारी करो, गाड़ी और ड्राइवर तुम्हारे डिस्पोजल पे। ओह थैंक यू, इसका मतलब है कि पहली ढोलकी परसों होगी। भाई ये ढोलकी माइयां वगैरह ये सब आपका डिपार्टमेंट है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि जुल्फी की नादानी को नादानी समझा गया, कोई इशू नहीं बनाया गया। हाँ वैसे भी वहाँ के सब लोग यहीं पे आए हुए और साथ की फैमिलीज में भी कुछ लोग हैं, सो आई थिंक कि मुझे अब बहुत सारी प्रेपरेशंस करनी है, मैं चल के तैयारी पकड़ती हूँ। इसी खुशी में मिठाई होनी चाहिए मिठाई। मिठाई का ऑर्डर दो। अरे बदतमीजी तो ये कर रही है, थप्पड़ मारी की शक्ल तो देखो अपनी। सबर कर, दिमाग ठीक है तेरा? अरे दिमाग तो इसका खराब है। तुझे मैं ऐसा मारूंगी, ऐसा मारूंगी तेरी, ऐसी धुलाई करूंगी ना कि तेरी पता चल जाएगा तुझे। अरे कहाँ फंसवा दिया मुझे, तेरी वजह से मैं भी फंस गई, छोड़नी गई। हेलो जुल्फी। हेलो यार, की क्या बोरियत है, बाहर देखो कितना अच्छा मौसम है, बाहर निकलो। नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। दिल को समझाओ। समझाया है लेकिन। लेकिन क्या? आप प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दें। सिल्फी तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। प्लीज नहीं करनी मैंने कोई शादी। दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ। आप मेरी मदद करें। मैं क्या मदद करूं, मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, जो मदद करनी है वो तुम्हें अपनी करनी है, निकलो इस कैफियत से बाहर। आपको सारी बात मालूम है? हाँ मुझे मालूम है। और आपको ये भी मालूम है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, कि जुगनू अब जिंदा नहीं है, कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की है, वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारी थी और ये सब कुछ मेरी वजह से हुए, मैं उसका कातिल हूं। देखो जुल्फी, जो हुआ वैसे ही होना था, वो जितनी स्मार्ट बन रही थी। नहीं वो तो स्मार्ट नहीं है, वो तो बहुत मासूम है, उससे बहुत प्यार करती है। मैंने फोर्स किया उसकी मियां को कि उसको डिवोर्स दे और मैंने उसे जबरदस्ती शादी की, जबरदस्ती की मैंने। देखो जुल्फी, जो हुआ कोशिश करो उसे भूल जाओ। खजाला अच्छी लड़की है, उसे वक्त दो, ऐसा ना हो जुगनू वाली मिस्टेक दोबारा कर लो। खजाला का दिल मत तोड़ना।
वकील साहिबा, अब तो कोई शक हो ही नहीं सकता, हमारी अपनी मुखबिर पर रेट था और ये रंगे हाथों पकड़ी गई। सर आपको कोई गलत फहमी हुई है? कोई गलत फहमी नहीं हुई, ये दो औरतें दो मर्दों के साथ रंगरलियां मना रही थी, निकाह नामा था नहीं और जाहिर है मियां बीवी तो थे नहीं। देखो भाई, तुम्हें असली बात बताई थी ना मैंने। ओ बीबी, जमानत हो गई है तुम्हारी, दोबारा पकड़ी गई ना तो पक्की एफआईआर काट के जेल भेज दूंगा, समझी? रिपोर्ट नहीं है तो फिर जमानत कैसी? चुप कर जाओ जुगनू, चलो बस। वकील साहिबा, मेरा आपको मशवरा है, इस औरत से अपनी जान छुड़ा लें, इंतहाई खराब औरत है ये। सर आपका काम सिर्फ मुल्जिम को पकड़ना है, आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि वो गलत है या दुरुस्त है? ओहो, बड़ी नेक बीबी है ये, जाएं से ले जाएं। चलो जुगनू। वो लोग तुम्हारे खून के प्यासे हो रहे हैं जुगनू, अपनी बेटी की शादी कहीं और करना चाहते हैं, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ अपना घर बसाने के लिए। कहाँ जा रही? मरी मत जाओ, तुम ऐसा करो मेरे साथ कोर्ट चलो, उन पर नान नुफके का केस करते हैं, और ये भी कि मेहर मुअज्जल था, अभी तक उन्होंने अदा नहीं किया। लेकिन मैं तो मरी जाऊंगी। तुम्हारे साथ पहले इतना कुछ हो चुका है, अगर उस वक्त खुदा ना खास्ता मेडिकल हेल्प ना आती तो? वकील आंटी, वो एक हादसा था, एक हादसा। अब जरूरी तो नहीं कि रोज रोज मेरे साथ यही वाकयात पेश आए, आप खुद बताना। वो टारगेटेड अटैक था तुम पर, उन्होंने तुम्हें टारगेट किया था। लेकिन वो अपने मकसद पूरे तो नहीं हुए ना। अच्छा खैर छोड़ो, तुम उन लोगों से दूर रहो, बस अपने हकूक का तहफ्फुज़ करो। मेरा हक यह है कि मैं अपना घर बसाऊं, मैं कोई खाला किशो नहीं हूँ, जुगनू हूँ मैं, जुगनू हूँ। वो लोग तुम्हारे खून के प्यासे हो रहे हैं जुगनू, अपनी बेटी की शादी कहीं और करना चाहते हैं, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ अपना घर बसाने के लिए। कानून को हाथ में मत लो जुगनू। वकील आंटी, ये इश्क की जंग है, कानून कहाँ से आ गया बीच में? पहले भी तो गई थी ना तुम? पहले कुछ हुआ था? नहीं ना, अब भी कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास पैसे हैं? ऐसे मुंह उठा के चल दी। आपके पैसे देने हैं और भी लौटा दूंगी आते। ये लो, ये कुछ पैसे रख लो। एक आप भी है काम की, बाकी तो सब बेकार है। दे ताली। ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना, जल्दी लौटूंगी। अल्लाह हाफिज। बस दो दिन रखा? नहीं रफीक, वो तो रोक रही थी, मैं खुद ही आ गई। ये एहसान क्यों किया मुझ पे? वो मैंने ये सोचा कि आपको खाने की तकलीफ हो रही होगी ना। तकलीफ? मैं तो इतना खुश हूँ कि सारी उम्र नहीं रहा। बाजार का खाना, घर का सुख, तुम सर से टली हो तो मालूम हुआ कि सुख क्या होता है। वैसे पकाया क्या इतने एहसान जताने के बाद? आलू मटर। लो, होला भला कुवत। और कुछ नहीं आता पकाना? रफीक, वो रफीक पैसे इतने थे? हाँ, सारे तो अपनी बहनों को दे आती होगी ना, कमा कमा के मैं मर गया और खाने को मिलता है घास फूस। अच्छा आप नाराज ना हो, गोश लाके दे दे, मैं रात को पका दूंगी। सारा दिन रक्षे में यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो, कराया नहीं लगता, मत जाया करो, और वो पैसे घर में लगाया करो, मैंने कोई खजाना नहीं दबाया हुआ। बात तो सुने।
अरे क्या हुआ शाहजहां, कुछ पता चला? पापा, मेरे दिल को तो जैसे पंखे लगे हुए हैं, ना दिन का चैन है ना रात की नींद। एक कई हफ्ते से उसका फोन नहीं आया और फोन करो तो मन मिल रहा है। जाहिर है परेशानी की तो बात है, जवान लड़की लापता है, कैसे नींद आएगी? मैंने तो उस मुर्दार मोटे बख्शी से भी पूछा है, कह रहा था हमें नहीं पता जुल्फी की तो। आए बोलो बोलो, रुक क्यों गई? आए कब तक रोगन काजमल के छुपाती रहोगी? आए सच बोलने में क्या खौफ? वही कह रहा है झूठ होगी। आए झूठ ही सही, बताओ तो सही। कह रहा था कि मरी में जुल्फी की शादी हो रही है, उसकी भावच की छोटी बहन है। अरे लो, मैं तो पहले ही ताड़ गई थी। एबी, मखमल में टाट का पेवन और चौबारे में मोरी की ईंट लगती कभी देखी है? अरे चार दिन का शौक था, पूरा कर लिया सो फेंक दिया। अरे ऐसे तो बेदर्दी से जिक्र ना करो आपा। अरे खैर, अब ये सोचो कि वो लड़की है कहाँ। यही तो बात है, जुगनू का कुछ पता नहीं चल रहा है और फोन भी बंद है। आए मेरी मानो, बख्शी जी से पता लेके उसके ससुराल जाओ तो। ए आपा, गली के कोने तक तो मैं जाती नहीं, अरे इतनी दूर मरी कहाँ जाऊंगी। ए भी अब जाना तो पड़ेगा, अरे जुगनू वहां भी नहीं है तो आखिर कहाँ होगी। अरे निकाह करके दी थी, साथ नहीं भागी थी, उस लड़के को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा चलो, ये भी करके देखते हैं। आपा, अगर जुगनू वहां नहीं हुई तो? अरे वही होगी, ये मुआ बख्शी तो बड़ बोला है। अल्लाह करे। ये किशो का फोन होगा, कई दिनों से आई जो नहीं है। कोई तमाशा जो नहीं है देखने को। सारे घर में देख लिया, आप यहाँ क्या कर रहे? मैं वो बॉटनी पे रिसर्च कर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे फॉलो कर रही हैं? नहीं नहीं, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछे। उस रोज आप मुझसे कह रहे थे कि मेरे हाथ में दो मंगनियों की लकीरें हैं। अरे उस रोज की बात छोड़े, उस रोज तो मैं और भी बहुत कुछ कह रहा था। मैं काफी संजीदगी से पूछ रही हूँ, क्या वाकई ने आज तक जो कुछ भी बोला है क्या वो वाकई सही है? देखें, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं फ्यूचर बता सकता हूँ, लेकिन जैसी लकीरें आपके हाथों में हैं वो यही कह रही हैं। आप तो जानते हैं कि जुल्फी एक छोटी सी बात पर इतने परेशान है। छोटी सी बात? कुछ छोटी बात नहीं, एक आदमी के साथ आपकी कमिटमेंट है और आप उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये छोटी बात तो नहीं। लेकिन नुकसान पहुंचा तो नहीं है। How do you know? मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा, और वैसे भी मैं आपसे एक और बात करना चाह रही थी। करिए। वो आप कह रहे थे कि आपको लगता है कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ, मेरा मतलब जिसकी इतनी वीक पर्सनालिटी हो, छोटे से एक्सीडेंट पर इतना, मेरा मतलब है कि आप रिलैक्स करें, मुझे खुल के बताएं आप कहना क्या चाह रही हैं। वो मैं, रहने दीजिए, कुछ नहीं। अरे